तो पहले से ही आदत क्या लगाना है कि भैया देखो ताल तो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि ताल जो होता है वो हमारे शास्त्रकारों ने एक पैरामीटर तय कर दिया है कि इतने इतने मात्रा में आपको इतना इतना गाना बैठाना है, जो उन्होंने बंदिशें बांधी हुई होती है। बंदिश का मतलब निबद्ध चीज, शब्द को चार लाइन में निबद्ध करना किसी एक पर्टिकुलर मात्राओं के साथ में। किसी को 7 मात्रा में, किसी को 10 मात्रा में, किसी को 12 मात्रा में, किसी को 14 में, किसी को 16 में। गाने वाले व्यक्ति को या कलाकार को तबला बजाते आना जरूरी नहीं है, तबला समझना जरूरी है कि वो क्या बजा रहा है। हाँ, वो धा की जगह ता बज रहा, ता की जगह धा बज रहा, इतनी भी बारीकी नहीं आई तो भी चलेगा। लेकिन आपको दिन और रात क्या है ये जैसे पहचान में आते हैं, वैसे खाली कहां और सम कहां ये दिखती है। आपको अभ्यास इस चीज का करना है कि कौन सा ताल है और कितने मात्राओं का ताल है और काल कहां है। जो क्लासेस में सिखाते हैं वो जो धा धिन धिन धा धिन धिन धा तीन तीन ता धिन धिन दा, ये परीक्षा के लिए ठीक है। ताली कहाँ है, काली कहाँ है, खाल कहाँ है, ये सब जो परीक्षा के लिए ठीक है। लेकिन जब आप आर्टिस्ट करके गाते हो तब आपको सम कहाँ है और काल कहाँ है और कितनी मात्राएं हैं, इसका हिसाब कानों से सुनकर जतन करना पड़ता है। और हमारे बंदिश का मुखड़ा कहाँ से शुरू होता है ये मात्रा की पहचान आपको रखना जरूरी है। उसके बाद में ही किसी घराने की बंदिश 7वीं मात्रा से, कोई भी बंदिश किसी भी मात्रा से उठ सकती है। उदाहरण के तौर पे देता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे 16 मात्रा अगर है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है पहली से लेकर 16वीं मात्रा। अब ताल जहां से शुरू होता है वो तो पहली मात्रा रहेगी ही रहेगी, लेकिन आपकी बंदिश का मुखड़ा कहां से शुरू होता है वहां पे आपकी बंदिश चलेगी। ताल यू चलेगा, बंदिश यू चलेगी। तो जहां 16 मात्रा खत्म होगी उसके बाद में फिर 1 2 3 4 5 6, इस हिसाब से मतलब ताल का पैरामीटर यहां है। तो जरूरी नहीं है कि हर बंदिश का पैरामीटर वैसे ही हो। यह ताल चल रहा है तो बंदिश यहां पे भी हो सकती है और यहां पे भी हो सकती है और यहां पे भी हो सकती है। अब समझा के बताता हूं। जैसे कोई बंदिश 12वें मात्रे से उठती है तो कितनी मात्रा पहले बज गई। 16 मात्रा का अगर ताल है तो 12वीं मात्रा से अगर बंदिश चल रही है, उठान हो रही है, उसका मुखड़ा उठ रहा है तो पहले 11 मात्रा छूटी है। तो 11 और 5 16, इस हिसाब से बंदिश विभाजित करना पड़ता है। कोई बंदिश 9वें मात्रा से उठती है तो 9 10 11 12 13 14 15 16, तो पहले कितने बचे 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां से मुखड़ा होता है। मुखड़ा जितने भी शब्द का है उसके बाद में वो सम का एक अवधान आता है और वो सम जो अवधान अवसान जो आती है उसके ऊपर वो बंदिश का सौंदर्य व्यतीत होता है। कोई बंदिश 7वां मात्रा से, जैसे मान लो उसकी बंदिश धा धिन धिन धा धिन मुख मोड़ मोड़ मुसकात जात। कोई बंदिश है धा धिन धिन धा धिन धिन धा कोयलिया बोले अंबू। अब ये जो है मैं गा के नहीं बता रहा, क्यों कि आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। बंदिश तो कई बार गा चुके होंगे और गाएंगे भी, लेकिन कैसे उठती है, वहां से कितनी मात्रा छोड़ना पड़ता है, आगे कितनी छूटी है, ये सब हिसाब होता है। कोई बंदिश 12वीं मात्रा से आती है धा धिन धिन धा धिन धिन धा तीन तीन पी या बी ई न, कितने बन गए पी या बी ई न, 5 निकल गए। तो मुखड़ा का उठान था 12वीं मात्रा से, 12 13 14 15 16। तो ताल जो चलेगा इसका, बंदिश का जो अंदाज चलेगा वो चलेगा 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसकी 11वीं मात्रा जो है वो बंदिश के पहले लाइन का अंत दिखाएगी। 11वीं मात्रा पूरी
बाजू में रह जाएगी और 12 से लेकर तो 16 तक मुखड़ा आएगा, उसके बाद में सम आएगा। तो 12 से लेकर तो 11 तक ये जो चक्कर चलेगा, ये बंदिश का चक्कर चलेगा, ताल ताल का चक्कर जो है वो अपने जगह उचित रहेगा। ताल के साथ आपको गाना है, ताल में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो सब आवर्तन बजेंगे, 200 बजेंगे, 500 बजेंगे, बजते रहेगा। जैसे आप सोचते हो कि गाने में अलग अलग प्रकार की एक विशेष उपज जो होती है, अलापी होती है, उस तरीके से तबले वाले के भी ताल में अलग अलग प्रकार के बोल ठेके हो सकते हैं, लेकिन मात्राओं का पैरामीटर उतने ही समय तक, उतना ही समय लेकर तय किया गया रहता है। उसके बाद में अगर आप स्पीड बढ़ाते तो उस अंदाज से ताल का जो पैरामीटर है वो चेंज होते रहता है, लय के हिसाब से, ना कि कम ज्यादा होता है। लय बढ़ती है तो पूरी 16 मात्राओं की लय बढ़ती है, किसी एक दो मात्रा की लय नहीं बढ़ती है। जो लय आप तय करोगे, अगर आपने विलंबित लय तय किया है, अति विलंबित लय किया है, तो उसको गिनना आपको 1 का 4 टुकड़ा इस यूनिवर्सल स्टाइल से गिनना पड़ेगा। अब 1 का 4 टुकड़ा यानी क्या, जैसे धा धिन धिन धा, ये 4 मात्राएं हैं। अभी ये 4 मात्रा है तो अगर इसको विलंबित करते हैं तो धा, देखो 4 में टूटा है, 1। अब 4 में इसलिए कि उतना समय उस 1 मात्रा को दिया गया है, अब उतना ही समय दूसरे मात्रा को भी देना पड़ेगा। ऐसा चलेगा नहीं कि इसको 4 बीट दिया, इसको 5 बीट देंगे, ऐसा नहीं। जैसे पहली मात्रा चल रही है, उसी अंतराल से दूसरी मात्रा, उसी अंतराल से तीसरी मात्रा, उसी अंतराल से चौथी मात्रा, ये हिसाब आपको नेचर ने दिया हुआ है, आपको खाली उसके साथ में जाना पड़ता है और मन ही मन में गिनना पड़ता है।